इजरायल हमास युद्ध की वजह से एक तरफ गाजा तो सुलग ही रहा है, वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना के खिलाफ लगातार मोर्चा खुलता जा रहा है। दरअसल इजरायली सेना वेस्ट बैंक में हमास के लड़ाकों और उससे जुड़े संगठनों का सफाया करने के लिए ताबड़तोड़ अभियान चला रही है। लेकिन इजरायली फौज की इस कार्रवाई में उसके ऊपर भीषण हमले भी हो रहे हैं। जी हाँ, वेस्ट बैंक के तूबास शहर के साथ साथ कई शहरों में इजरायली सेना ने 17 अप्रैल 2024 को सुबह सुबह छापेमारी की। लेकिन इस दौरान हमास और उसके सहयोगी गुटों के लड़ाकों ने इजरायली सैन्य वाहनों के रास्ते में बारूद बिछा दिए और जैसे ही आईडीएफ के वाहन वहां से होकर गुजरने लगे, वैसे ही प्रतिरोधी लड़ाकों ने इन बारूदों को उड़ा दिया, जिसमें इजरायली सैन्य बुलडोजर के परखच्चे उड़ गए। दरअसल फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की तूबास ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में कहा गया है कि इजरायली सेना तूबास शहर में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस दौरान उसका सामना तूबास ब्रिगेड के लड़ाकों से हुआ। तूबास ब्रिगेड का कहना है कि शहर के कई इलाकों में उसके लड़ाकों की आईडीएफ से सीधी भिड़ंत हुई है। इस दौरान तूबास ब्रिगेड के लड़ाकों ने असॉल्ट राइफल और आईईडी से आईडीएफ पर हमला किया। और इसी कड़ी में अल अहमदीन के करीब तूबास ब्रिगेड के लड़ाकों ने आईडीएफ के एक बुलडोजर को आईईडी से उड़ा दिया। इसके साथ ही तूबास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों पर सीधी गोलीबारी भी की। तूबास ब्रिगेड द्वारा जारी किए गए इस वीडियो में एक भीषण गोलीबारी को देखा जा सकता है। इन हमलों को लेकर तूबास ब्रिगेड ने अपने बयान में कहा कि इजरायली सेना के खिलाफ कई आईडी बिछाए गए थे। टामोन इंटरसेक्शन में तो तूबास ब्रिगेड के हमलों की वजह से इजरायली सेना को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। वहीं पश्चिमी वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने बानी नैम कस्बे में छापेमारी की, जहां पर उसे युवाओं का भारी विरोध झेलना पड़ा। कुछ स्थानीय सूत्रों का कहना है कि इजरायली सेना हिरासत में लिए गए 2 फिलिस्तीनियों के घरों को ढहा रही है, जिन पर तेल अवीव के पास राना में आईडीएफ के खिलाफ ऑपरेशन चलाने का आरोप है। आपको बता दें कि राना ऑपरेशन में एक इजरायली सेटलर की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा सेटलर घायल हुए हैं। और इसी कनेक्शन में इजरायली सेना ने 17 अप्रैल की रात को बेत उमर में छापेमारी की थी और नैबलस और रिज्युब गांव में ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी।